हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मेहुल दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल भारी पेट्स में। और आज का जो टॉपिक है ये है खास करके विंटर केयर पे। विंटर में बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आपके टर्टल के साथ में, और टर्टल का केयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टर्टल्स जो होते हैं, टर्टल्स और टॉर्टोइस भी ठंड जो है ये अपना कवर नहीं कर पाते हैं, या अपनी लाइफ जो है ये गवा बैठते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो है आपको केयर करना विंटर सीजन में खास करके, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मैंने देखा हुआ है कि नए जो बच्चे हैं वो लेके आ जाते हैं, छोटे जो टर्टल के बेबीज़ होते हैं वो परचेस करके लेके आ जाते हैं, और ठंड के पीरियड में वो महीना दो महीने तक खाना नहीं खाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। तो आज हम इसी बात पे, इसी टॉपिक पे पूरे बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं टर्टल में। टर्टल जब भी आप छोटा सा लेके आते हैं ठंडी के पीरियड में, तो आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको पानी और जो सरफेस होता है जिसे हम बास्किंग एरिया कहते हैं, यानी पानी के बाहर वो आ सकता है, ऐसे टाइप का टैंक ही आपको हमेशा टर्टल के लिए देना है जिसमें अच्छे से बास्किंग एरिया और पानी हो। पानी जो होगा वो हमेशा उसमें एक हीटर लगा के रखिए, और हीटर भी वही होना चाहिए जिसमें ऑटो ऑफ का फीचर हो, यानी खुद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुँचने के बाद में वो अपने आप ऑफ होना चाहिए। दूसरी चीज़ है टेम्परेचर कितना सेट करना चाहिए, तो यूजुअली एक एवरेज 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर आप उसका टेम्परेचर सेट करते हैं तो वो उसे बेस्ट माना जाता है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे इट्स ओके, लेकिन 28 डिग्री टेम्परेचर जो है ये सबसे सुटेबल टेम्परेचर होगा पानी का। उसके बाद में आता है बास्किंग एरिया। जो बास्किंग एरिया है वो अगर आप देखते हैं तो पानी के ऊपर का जो लेवल है वहाँ पर, बास्किंग एरिया में खास करके आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बास्किंग एरिया में आपको एक बल्ब लगाना है जिसे हम कहते हैं यूवी बल्ब, अल्ट्रा वायलेट बल्ब। तो ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर नहीं अवेलेबल होता है तो भी आप कई सारी वेबसाइट्स है, bharipets.com भी है, उसमें से एक वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़ॉन पे जाइए, ईबे पे जाइए, तो वहाँ पर भी अवेलेबल आपको हो जाएगा। तो बास्किंग के लिए यूवी बल्ब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब भी आपका जो बेबी है या एडल्ट भी अगर है तो वो पानी से बाहर आने के बाद में खुद को ड्राई होने के लिए, वहाँ पर अच्छे से सूखने के लिए और हीट एब्जॉर्ब करने के लिए काम में आए। अभी बात करते हैं हम उसके डाइट के बारे में। तो डाइट में आपको क्या देना है, डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसे जितना भी हो सके उसको विटामिन B12 है, कैल्शियम का सप्लीमेंट है, और प्रोटीन की मात्रा जितनी आप ज़्यादा दे सकते हैं उतनी आपको आप दे सकते हैं। उसमें सिकलेट का स्टिक्स आते हैं वो आप दे सकते हैं, फीडर फिश जो होती है, छोटी छोटी फिश जो होती है उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स आपके पास अवेलेबल होगा, और बाद में अर्थवर्म्स है। तो यूजुअली महाराष्ट्र और अपनी जो आसपास का जो एरिया इंडिया का सब कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ पर अर्थवर्म्स इजीली मिल जाते हैं, तो केचुए जिसे कहते हैं, तो केचुए इजीली मिल जाते हैं। इसके बाद में आप जो दे सकते हैं वो है जो टर्टल की फीड आती है, तो वो स्पायरोलिना जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है वो आप रेगुलर दे दीजिए। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप कोई भी फीड देंगे, शेल्स आप दे सकते हैं, जैसे स्नेल्स में काफ़ी सारे आपको वैरायटीज़ मिल जाती है फीडिंग के हिसाब से, वो आप दे सकते हैं। कैल्शियम और प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है ये उसका कम्प्लीट होना ज़रूरी है। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम टॉर्टोइज़ के बारे में। टॉर्टोइज़ में अगर देखेंगे तो टॉर्टोइज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसको वार्म बाथ दे दें, यानी पानी से एक बार नहलाइए, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी रहेगा वो अच्छा है। टॉर्टोइज़ पानी में नहीं रहते, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये ड्राई सरफेस पे ही रहेंगे। और टॉर्टोइज़ को अगर आप अच्छे से रखना है तो उसके लिए एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिए, जिसमें खास करके कोई वूली कपड़ा या गर्म कपड़ा हम जिसे कहते हैं वो आप रखिए वहाँ पर,
और उस या टॉवेल होता है, टर्किश टॉवेल वगैरह, वैसे टाइप का टॉवेल वगैरह भी आप रख सकते हैं। और आपका जो ड्राई टर्टल है वो उस पर जाके बास्किंग कर सकता है, ना अच्छे से बैठ सकता है। हालांकि टॉर्टोइज में काफ़ी सारे लोग यूवी लाइट नहीं रखते हैं, लेकिन ठंड के सीज़न में यूवी लाइट देना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर आप जो है ये ध्यान में रखिए कि आपको जो बास्किंग एरिया में है ज़रूर उनको यूवी लाइट देना ही देना है। टॉर्टोइज में आपको जो एक्स्ट्रा एडिशन करना है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा आपको, क्योंकि पानी की भी जो रिक्वायरमेंट है फीड में वो भी वो वहीं से ही करते हैं, और उनके डाइजेशन के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेंगे। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लोगो है इसे क्लिक कीजिए, और इस पे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे हमारे नए वीडियोज़ देख पाएंगे।